नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी की एक नई वर्कशीट। व्यंजनों को सही क्रम में मिलाने के बाद चित्र में रंग भरिए। सबसे पहले हम इन व्यंजनों को एक सही क्रम में मिलाएंगे, उसके बाद चित्र में रंग भरेंगे। तो चलिए व्यंजन क से शुरू करते हैं। व्यंजन क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ख। व्यंजन ख के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ग। ग से गमला। ग के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन घ। घा से घर। और घा से घर के बाद कौन सा व्यंजन आता है? अणे खाली। तो चलिए इसे अणे खाली से मिलाते हैं। इन्हें मिलाते ही हमारा क वर्ग पूरा हो जाता है। अब व्यंजन च से शुरू करते हैं। व्यंजन च के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन छ। च से चम्मच के बाद क्या आता है? छ से छाता। व्यंजन छ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ज। ज से जहाज। व्यंजन ज के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन झ। झ से झंडा। झ से झंडा के बाद कौन सा व्यंजन आता है? या खाली। तो चलिए मिलाते हैं इन्हें। इन व्यंजनों को मिलाते ही हमारा च वर्ग पूरा हुआ। अब हम किसे मिलाएंगे? अब हम किन व्यंजनों को मिलाएंगे? अब हम ट वर्ग के व्यंजनों को मिलाएंगे। तो चलिए व्यंजन ट से शुरू करते हैं। ट से टमाटर के बाद क्या आता है? ठ से ठेला। था से ठेला के बाद क्या आता है? डा से डमरू। डा से डमरू के बाद क्या आता है? आप अच्छे से जानते हैं, धा से ढक्कन। और उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है? ऋ खाली। इन व्यंजनों को आपस में मिलाते ही हमारा ट वर्ग पूरा हो गया। अब आपको इसमें अपने मनपसंद रंग भरने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपके रंग बाहर ना निकले, ताकि यह चित्र रंग भरने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई दे। Thank you.
चलिए अब आपकी बारी है यह वर्कशीट करने की। धन्यवाद।